प्रोग्राम सिंध इशू से गंदी ना आया वो मेज़बान खालिद चांडियो अज अस सिंध इशूज प्रोग्राम में तक दिखारूँ था तुसोता खुसूसन जो सरकारी अस्पतालू आज उन सरकारी अस्पताल के अंदर दंदन जो इलाज हो जे या मुख्तलिफ जो बीमारी उन्होंने इलाज हो जे उते तमाम घणियों जो मुश्किल सदई रही पर हाँ आस्ते आस्ते पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर इवन मुख्तलिफ जो पॉलिसीज या प्रोजेक्ट्स अचन पाया उनमें अस्पताल के अंदर खुसूसन इलाज के हवाले से खोड़ सारियों शन से उ अपडेट कर रुगो प्लानिंग थन पे पर उन कोशिशों भी थी रही अस बीमार के हवाले से तुसो तो जो दंदन जो बीमारियों उ हर मानू तकरीबन इन वक्त हर बो मू दंदन की बीमारियों में मुब्तला चुको है इवन जो मुँह जो कैंसर है उनमें मू जे तरीके से घुटको मेनपुर इवन सिगरेट या मुख्तलिफ शन से वापरन पाया मुँह की सफाई मानू ना रखन दंदन ना कन मू पेस्ट ना कन नतीजे में मान के दंदन जो तमाम घणियों बीमारियों के से थी चुकी अज अस सिंध इशू प्रोग्राम में इन फोकस कंदी तो इन वक्त जो दंदन जो बीमारियों छो थी रही है दंदन की बीमारियों जो इलाज है वो केतरो मुमकिन है जिका खुसन सरकारी लेवल से लम्स के अंदर लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर सिविल अस्पताल के अंदर जो ही नवा जो प्रोजेक्ट्स आया जो नए माहौल के अंदर केतर तब्दीलू आयु केडे सुठे माहौल में उनको इलाज थे पो या केतो अन इलाज के दंदन की बीमारी के अपडेट कर जरूरत है उनके डेवलप कर जरूरत है इन केतर सहूलतू दे जरूरत है डॉक्टर केतो वो अना सपोर्ट कर जरूरत है तो जी ही दंदन की बीमारियों के हवाले से इवन मुँह के कैंसर के हवाले से जो भी सवे डॉक्टर जूनियर सीनियर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर ए रिसर्च एसोसिएट बिहार सब कम कन पाया उनतरी फैसिलिटी मिले जो एनआईसी वीडी में कम थो है उनमें कोशिश हुकूमत के करण खपे तो इन किस्म जहाँ जो डेंट केयर जो अदारा जिनो स्टैंडर्ड सुठो है जिनका इंस्ट्रूमेंट्स सुठा जी आगा खान अस्पताल में कम थे पो कराची के वन वन प्राइवेट अस्पताल में कम थे पो जर इन तरीके से इन एनवायरमेंट में एक साफ़ सुथरे माहौल के अंदर जैसे इलाज थो तो उनको यकीन मरीजन के फायदों पहुंचन सो अज अस सिंध इशू प्रोग्राम में कोशिश कर था दंदन के बीमार के हवाले से दंदन के खुसूसन सिविल अस्पताल हैदराबाद के अंदर जो दंदन जो इलाज है कड़े इन्वायरमेंट में थे पे उनमें केतर डेवलपमेंट्स आयु उनमें केतर डेवलपमेंट्स अचन घुर्जन इन सजो प्रोग्राम असो मोहित हों में डॉक्टर से ाली प्रोफेसर से ाली मैनेजमेंट से ाली तो दंदन के बीमार के हवाले से जो ही नवा अदारा ठाया खुसन सरकारी सेक्टर के अंदर सरकारी अस्पताल के अंदर उ मान के लिए केतो लाभायतो साबित थे उनमें आवाम के मान के केतो रिलीफ मिली रो है डेंट में मुझो यानी टे साल पोस्ट ग्रेजुएशन के थी वन मुझा इतना जी पैरियो भी मां लम्स में ही कम के हुआ है अंडर ग्रेजुएट में पोस्ट ग्रेजुएशन भी मुझे हित ही है जी केतरो अगया अना इलाही कुछ है इंशाल्लाह फ्यूचर में तो इलाही प्लानिंग सन ताने प्लान है नहीं ताने एनवायरमेंट लगे तो हाँ ताकि मौका फराम कह जो अना लर्न कह मुख्य बुधाओ तो कड़ी कड़ी कॉम्प्लिकेशन्स इन वक्त जैमें मानू घो सफर कर दंदन के हवाले से तो मानू इलाही कुछ सफर करे तो इतने इलाही डिफरेंट पेशेंट्स ही ना जिनके इलाही डिफरेंट डिफरेंट तकलीफा होंदन तो इन ओपीडी में माशाल्लाह उन्होंने सुठो ट्रीटमेंट थे तो पेशेंट इतना सैटिस्फाई थी करे बनन था माना यो चई सके तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आ उन्हें कें मयार तई सही आयो या उन जितरा है जी जी उन्हें मयार तई कई हद तई सही आयो केतरो टाइम दा वटो फी पेशेंट फी पेशेंट के अध किलाक 45 मिनट थी था वन लेकिन जेको भी कंदन जो कम थे तो इलाही सुठो तो थे छा मैसेज विंदो समझदा इन अस्पताल आऊं एज एफसी बेस ट्रेनिंग आया इते त आई आऊं सडे हैदराबाद में खबर है डेंटल यूनिट हिसाब सा तो यो तमाम बेहतरीन छबो है आई जोको तमाम सस्तो भी है एज कंपेयर्ड बे हंद तो यो तमाम सुठो है आई डाडो पेशेंट के फैसिलिट थिया न ये न आई पेशेंट जोको अचे तो वो मोटा है चार ब्या वठी तो अचे के यार इते ही बेहतरीन है जोको अचे तो चार मोटा है ब्या वठी तो अचे अम्मा अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम कहां से आए अम्मा हम तो इधर से आए जी मुझे यहां ये इस तरह का तस्वीर कर सकते थे हैदराबाद में साफ स्कूल बनेगा वो भी सरकारी सतह पर माशाल्लाह अभी तो अच्छा बना है जी माहौल अच्छा है जी 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 बिल्कुल अच्छा है सफाई भी अच्छी है और माशाल्लाह डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं ख्याल से कर रहे हैं सब कुछ इतने कुछ मरीजन जा अटेंडेंस बैठा है उनका पूछूं था
السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس طرح یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات کہ واقعی ہم کسی سرکاری ہاسپٹل میں کھڑے ہیں یا کہیں. جو انسانوں کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرتا ہے. ہمارے ملک میں یہ کام پہلے ہونا چاہیے جو اب ہو رہا ہے, لیکن ہو رہا ہے بہتر, دیر آیا درست آیا. لیکن ایک سب سے اہم بات ہے, میں موجودہ حکومت, گزری ہوئی حکومت سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے یہاں میڈیسن کو اور ایجوکیشن کو چیلنجیبل کر دیں. اگر یہ جب چیلنجیبل کر دیں گے تو سدھار سسٹمیٹیکل پیدا ہو جائے گا. چیلنجیبل سے مراد یہ کہ اگر کوئی ڈاکٹر میڈیسن کے لیے ٹریٹمنٹ استعمال کر رہا ہے اور اگر وہ ٹریٹمنٹ ایکسیز میڈیسن یوز کر رہا ہے یا وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو کورٹ میں چیلنج ہونا چاہیے تاکہ اس کو احساس ہو کہ مجھے صحیح کام کرنا ہے. عام مانو جے کین سے مین پوری کھائن تھا, گھٹوا کھائن تھا, کھوڑ ساری شیوں مانو صفائی نتھا رکھن دندن جی. نتیجے میں دندن میں جی ڈاکٹر صاحب بدھاؤ تو دندن میں ایکسیڈنٹ جن تھن تھا تو مان جا سب دند بجی پون تھا. ڈینٹ جا کھوڑ سارا ایشوز ہیں, سوے ایشوز ہیں, مانن کے کا خبر نہ ہوئی. مانو بیچارا پرائیویٹ اسپتال میں جن ونجن تھا تو اتنے ظاہر پرائیویٹ اسپتالوں مکمل طور پہ کمرشل تھی چکی ہیں, بزنس جو ان میں فیکٹر تمام گھنو اچھی چکو ہے. جو جترو تجربہ ہے ان ہاسپٹل جو کتر سمجھو تھا ان مان کے لائے پیشنٹ کے لائے جے کے سٹھائیں مجھے خیال میں دسے تو یہ ڈاڑو بہترین ہاسپٹل ٹھہو آ. ماں تو فسٹ ٹائم ڈٹھو آ تو حیدرآباد میں جے کے نان افورڈنگ پیشنٹس ہیں وہ ان کے ہاف کا بھی گھٹ پے میں یعنی ان جو علاج تھے پی تو پیشنٹ بھی خوش پیا تھن ان جو علاج بھی بہتر تھے تو سٹھے ماحول انوائرمنٹ بھی سٹھو آ. کامن کمپلیکیشنز کون کون سی, ابھی کون سا پیشنٹ دیکھ رہے ہیں آپ, اس کو کیا ہے؟ اس کو کیریز ہے, یہاں زیادہ تر تو کیریز سے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پیشنٹ اپنی اورل ہائیجین کا خیال وغیرہ نہیں رکھتے ہیں اس وجہ سے. جی جی بالکل, روٹ کینال کریں. کتنا ٹائم لیتا ہے؟ ایک وزٹ, ایک سے دو وزٹ لگ جاتے ہیں پیشنٹ کے. پیشنٹ سیٹ ہو جاتا ہے بالکل. پروفیسر ڈاکٹر فیروز کلوڑو صاحب اتنے موجود ہیں. ڈاکٹر فیروز پان ہیں سجے یونٹ جا انچارج ہیں, سینئر ڈاکٹر رہا ہیں, تمام مشہور حیدرآباد جا ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر بیکھا, ڈاکٹر فیروز, یہ سجی ٹیم ہے جے کا ان وقت سجی سندھ کے اندر ایون خصوصاً حیدرآباد جو جے کے ہاسپٹلس ہیں, لمس ہے, اتنے سول اسپتال حیدرآباد ہے, ان میں کتری جدت اچھا کھپے, کتری تبدیلیوں اچھا کھپن, کیڑا کیڑا ایشوز موجود ہیں. اسپتال او پی ڈی ڈھیے تو, لال بتی ڈھیے تو, من ایڈی وسٹ حالت سدائی رہی ہے. کو دور سٹھو پر وچ میں تاں ڈسو تے مانو ڈاڈا وڈی کرایہ ہوئی جے کہ افورڈ نہ تا کرے سکن پرائیویٹ کلینکس وغیرہ, انن کے کڑو کوالٹی وارو معیار وارو علاج, دندن جو صاف ستھرو علاج انن جو انن جے لائے ہی آئے سیٹ اپ. ہن جی پہری شروعات اساں جو جو پرانو وائس چانسلر ہو نوشاد احمد شیخ صاحب, تو ان جو اصل میں ہی آئیڈیا ہوئیو, ان کے بار بار اساں چوندا بھی ہاسیں تا اساں دندن جو بیمارن جو برڈن جو کو آئے ودھندو تو ونجے, جے کا اساں جی پرانی جے کا سول ہاسپ جے کا لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل جی او پی ڈی ہے ان جی کیپیسٹی اتری رہی نہ ہے, کافی پرانی تھی وئی ہے, تو اساں کے ایکڑو نو سیٹ اپ کھپے. تو ان جی کوشش سا ان وقت ایم ایس صاحب ہو ڈاکٹر خالد احمد شیخ صاحب, تو ان بنی جی کوشش ہی ایکڑی پرانی بلڈنگ ہوئی جے میں ڈاکٹر ہاسٹل ہوئی. جی بالکل ہوئی, وہ سیل پئی ہوئی گھنن سالن کھا وٹھی سیل پئی ہوئی. تو پھر یہ آئیڈیا آیا تو جی نئی بلڈنگ کے لیے اتری بجٹ وغیرہ ہی بلڈنگ جدید ادروائز بلڈنگ بالکل ٹھیک ہوئی, بس یہ خالی پی ہوں جو جو اتر نہ رہندا ہوا ڈاکٹرس ان میں. تو ان کے وہ آئیڈیا آیا ان میں پو ہی اساں ان کے ٹھاو سی تمہاں دے ساموں آئے شے تو جے کو تمام ایکڑو معیار وارو علاج عام مریض جو ان کے یا فیسلٹی مہیا کوں پہ باہر کاسٹلی ہے علاج سمجھو جے پروسیس ہیں جے قسم دندن کے بیمارن جا کترو سمجھو فرق ہوں پرائیویٹ علاج میں دند جو علاج ایڈو مہنگو تھی چکو ہے جو مانو تو وچارا افورڈ نہیں تھا. جی 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 وہی گال ہے, تو عام مانو عام پبلک آج کل ڈسو حالات جے ہیں اکانومی وغیرہ ڈاڈو تو عام مانو تو ڈاڈو پانجے انم جے پورو ہے, تو وہ مانو تو سوچے بھی نہ علاج باہر سستو ہوجائے یا مہانگو ہوجائے, پر عام مانو ڈسو نا وہ کون تو سوچے سکے تو کہیں پرائیویٹ کلینک تے ونی پانچ خاص طور دندن جی جکا پریارٹی وہ اتری رہی مطلب کون ڈیندو ان کے, تو وہ بیندو بھی کون افورڈ بھی نہ کرے. ہتے جو ہے سمجھو تو ہتے صفا جڑو کہ مفت میں آئے.
सरकारी अस्पतालन के अंदर इन किस्म जो माहौल करें नजर ना आया। नतीजे में तकरीबन 20 के करीब जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स जो हैं ट्रेनीज जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं मतलब, और हमारे पास यहाँ पर हर किस्म के जो भी ट्रीटमेंट होती है आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जिसमें आपके इररेगुलर टीथ आते हैं, दांतों में स्पेसिस होते हैं, दांत बाहर होते हैं, तो हर तरह की जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो यहाँ पे फिक्स ब्रेसिस का काम जो है किया जाता है। जी क्लासेस भी होते हैं? नहीं, क्लासेस तो जामशोरों में होते हैं मतलब, ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ पेशेंट ट्रीट किए जाते हैं मतलब। कितना चेंज है डेंट का, इतना बड़ा इशू रहा है, हर आदमी को डेंट का इशू है, इन्वायरमेंट होता नहीं था, लोग परेशान थे, तो किस तरह समझ रही हैं कि अब लोगों को रिलीफ मिलेगा इतने अच्छे माहौल में? एक्चुअली पहले तो हमारे पास सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर था जिसके अंदर हम जो है पेशेंट को सही तरीके से नहीं डील कर पाते थे, कॉन्टामिनेशन होती थी, क्रॉस इन्फेक्शन होता था, इससे बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। जी मूँ तक चो तो दंदन के इलाज के हवाले से तमाम घणी जो कैंसे परेशानियों वो मान के कैंसे लाक मौजूद हैं बुधा असा वैसे थर्ड ईयर जो स्टूडेंट आए सो अस टाइफोडोन से प्रैक्टिस पे क्यों फिलहाल तेजे कर फिलिंग रेस्टोरेशन फिलिंग कहना लाइक जी आई सी या अमलगम जी अस लाइनिंग दिन अमलगम फिलिंग कहना ब्राउन ब्राउन जी अस ग्रे कलर जी है अमलगम फिलिंग आ हाँ यो तीत है इनके साथ टाइफोडोन चाहिए पर यो तीत आ दंद है यो आर्टिफिशियल तीत है जी अस प्रैक्टिस पे क्यों इन प्रैक्टिस कर फाइनल ईयर से अस पेशेंट्स से कहना सी कॉम्प्लिकेशंस समझ रही हैं कि ज़्यादा हैं दांतों के वाले से? यहाँ पे सर्जरी की सर्जरी में जो है वो पेशेंट ज़्यादा आते हैं, उनके बाद जो आते हैं वो फिलिंग के आते हैं, और उनकी हम प्रोसीजर अपना स्टार्ट करते हैं और फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें सीनियर्स गाइड करते हैं और फिलिंग वगैरह में कर देते हैं। असा वट स्टूडेंट हूँ यानी थर्ड ईयर जहाँ स्टूडेंट जो यारह साढ़े यारह बजे टाइम खत्म तो जो उनके सीखण हों टुते सीखा वींदा हलिया उन वही बारा फाइनल ईयर इंदो अस वो पेशेंट कहना है। सिंध इशू प्रोग्राम में असा तक दिखारू पाया हैदराबाद के सिविल अस्पताल के अंदर ही जो डेंट केयर दंदन के हवाले से तमाम वो सेंटर ठो है एन आई सी वी डी के तमाम घनी प्रोजेक्शन मिली है नतीजे में सरकारी सतह से इन सपोर्ट करना खपे तो इन किस्म के इन्वायरमेंट के अको है सो बूस्टर मिले वद में वद कम थो तो जाहिर है उनको जो फायदो है वो सीधो सो वो मरीजन के थी। सर एक्सरे के लिए पहले पैर के लिए पेशेंट आता है तो उसको बिठाते हैं उसकी एंट्री होती है जोन सा टीथ होता है सर उसका यहाँ पे एंट्री करके सेंसर होता है सेंसर पे कवरिंग करके इसको उसका एक्सपोजर करते हैं वहाँ से फिर यहाँ पे उसका सर शो हो जाता है प्रिंट हाँ यहाँ पे शो होता है स्क्रीन पे उसका उसके बाद इसकी सेटिंग करके कंट्रास्ट देके ऐसे प्रिंट आउट करके पेशेंट को दे देते सर उसमें पता चल जाता है कि क्या हाँ जो भी डॉक्टर के पास हाँ फिर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाके फिर ही जो इनिशियल है जी डायग्नोसिस पेशेंट चिंता की प्रोसेस बुधायो की था बस पहिया जो मेन डायग्नोसिस स्लिप ठहराए पेशेंट के असा बिहारे पूरा एग्जामिनेशन इंट्राओरल एक्स्ट्राओरल जो भी उन्होंने मेन प्रॉब्लम है उनके अकॉर्डिंग अस उन डिपार्टमेंट में मोकिल पूरी हिस्ट्री वी करे कोई मेडिकल हिस्ट्री या कोई डेंटल हिस्ट्री वी अस उनके रेफर कदा तो अस आर फोर में आयो मतलब एफ सी पी एस की ट्रेनिंग थी हल्ले चौथों साल आयो आखिरी साल दुआ कर पेपर कढ़ाओ इंशाल्लाह केतरो स्कोप है समझो ता काफी आ माशाल्लाह डेंट्री जो स्कोप वक्त सा अगर नॉलेज भी बदंदी थी वने अवेयरनेस वधी वई आ मानन में पहरे आज में बडो फर्क अच्छी चुको आ डेंट्री जो कॉम्प्लिकेशन तमाम जेजु थी हो कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट वधी वया हन फैसिलिटीज वधी वई हन तो कॉम्प्लिकेशन पे जगह ते घट जंदा ता वने नाने ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम कहां से आया हैदराबाद से कैसा माहौल लगा ये सरकारी अस्पताल में इस तरह तो हमने नहीं देखा कभी आप जब आए क्या था कि इस तरह का होगा नहीं कुछ बेटर है ओपीडी से बेटर है डॉक्टर साहब ही वार्ड थ्रू के ब्रीफ के हो किया ही डिपार्टमेंट ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी या इन डिपार्टमेंट में जो है दंदन के एक्सटेंशन थी या दंद की सर्जरी होंगी थर्मोलर अकल की डाट होंगी वह कई वी इतने जो ये बुनियादी क्लिनिक आ जिते वात के कैंसर जो डायग्नोस किया वो ठीक है ना कैंसर जो इलाज अच्छी
जी कैंसर जो इलाज तो है काफ़ी अरसे का है पर हते प्रैक्टिस शुरू में न हुई पर हाँ काफ़ी अरसे का असा ओरल कैंसर जो इलाज क्यों था पर ओरल कैंसर जो इलाज जो स्टार्ट थी डायग्नोसिस था जैसे तेई उन तशखीस न थी कई वे तेस तेई उन इलाज मुमकिन न हों तो अस वे ओपीडी में पेशेंट इंदा जैंखे वात के अंदर को छालो हों को अल्सर हों या कें तकलीफ से इंदा तो अस इतने एग्जामिन कहूंदा तो वाकई उनमें को कैंसर है या ना फर्स्ट स्टेज जी उनमें बायोप्सी जो मकसद हों तो गोश्त थोड़ा टुकड़ो कड़ी कर असा लेबॉरेटरी में मोकिलिंदा हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जैसा कन्फर्म आया उन मरीज के कैंसर है या ना ऐसो अस दौर में हिंसर त पान चालिया नसवार को मेनपूड़ी या तमाम कामन थी वही उनके कर वात जो कैंसर हद का वधी वो शुरू में जैसे 2009 में मैं इतने आयो इन लम्स में तो असंखे डेली हफ्ते में कोई मरीज वात जो कैंसर मिल जो मिलो पर हाँ डी में 4-5 मरीज अस इतने रिपोर्ट थन था जो वात के कैंसर से ठीक है ना उनके कर हिंसर बुनियादी कोशिश तो गवर्नमेंट के यही करें खे तो इन शैन लगन खे पर उन असांजी सपोर्ट कई वे तो अस इलाज के वध मानून तक पहुँचा सकूँ डॉक्टर समझो था माना गवर्नमेंट फंडिंग करें ती बिल्डिंग के अप कर हाँ एग्जैक्टली असा जो वात जो कैंसर हिंसर पाकिस्तान में जो स्टेटिक्स नंबर 1 अची वो स्पेशली अस सिंध सूबे में सब का घणो आ वात जो कैंसर पहले तो ब्रेस्ट कैंसर है लंग कैंसर कॉमन हों पर अस हिंसर जी स्टेटिक्स मिलन थी जी अस निमरा कैंसर हॉस्पिटल में वरतियों हैं तो वात जो कैंसर सब का तो हाँ उनकी जो बायोप्सी का 8-10 ढीह लगता है उनकी रिपोर्ट अचने में यो डिले जो इन घट कर सके तो इन कर लेबॉरेटरी ठही सकन थी मानून तई अस मैसेज वध पहुँचाया वो तो जैं भी कें भी मानु के वात में को छालो थे जो 7 ढीन तई सही न तो थे तो वो अस रिपोर्ट कन जी अस जल्दी से तशीस कर सकूँ तशीस करण का जल्दी इलाज कर वालों कैंसर जो इलाज जो डिपेंड कह अर्ली स्टेज से जितो जल्दी पहुँचन उन इलाज मुमकिन हों पर जी जी डिले अनफॉर्चुनेटली असा अक्सर मरीज जो पहुँचन था वो स्टेज 4 डिजीज जहाँ पहुँचन था स्टेज 4 डिजीज या उ केसिस जैसे ऑपरेशन न कर सकूँ तो जल्दी न पहुँचंदा तो उन इलाज मुमकिन न खुसूसन उसे जिला जिते जो ठटरो जिलो है बदीन जिलो है जिते पान तमाम घणियों जो इनसे खादियों मेनपुरू खाइंदा मानू घुटको खाइंदा हैदराबाद में भी उनकी तमाम तमाम घना मानू खाइंदा वे याद रखी छी डॉक्टर साहब जी चवे तो तक वात में कोई छालो थो अस्पताल न पहुतो तो मरी सोता कैंसर तमाम खतरनाक बीमारी है कोशिश करो ये सब शेयर छे असा ही प्रोग्राम करने जो मकसद यो है तो जितरा एफर्ट्स थन पा जितरू एहतियाती तदबीरू तक बुधाई वन पे हर सूरत में अमल कर पा सब मानू न रुगो मीडिया डॉक्टर इवन सोसाइटी का मानू सिविल सोसाइटी का मानू पा सब गजी जैसे इन पैटर्न से कम कंदी इन तरीके से कम कंदी यकीन असो मुआशरों हेल्दी थो अस एफर्ट्स कर में कामयाब इंदी जैमें बीमारियों घट भी असो मानू सेहतमंद सेहतमंद मानू हों तो समाज में पेंजो एकड़ो सेहतमंद किरदार अदा कर सकंदो जिम्मेवारियों अदा कर सकंदो ता रिसो ता केड़ी समाज जी सूरत हाल थी वई है आप मुझे बताएं कि ये पेशेंट का मुझे थोड़ा बताएं क्या कर रहे हैं इनके नीचे वाला दांत है लोअर 6 है उसकी एक्सट्रैक्शन हो रही है दांत को निकाल रहे हैं अच्छा जी कितना टाइम लगता है इसमें 5-10 मिनट लगते हैं इससे ज्यादा कितनी कॉम्प्लिकेशंस से आप समझ रही हैं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दांतों की कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो गए डिजीज़ जी ज़्यादा हो गई हैं दांतों की कैरीज सबसे ज़्यादा कॉमनली हम लोग को बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो गई हैं पेशेंट्स में इसके अलावा जो है मसूड़ों के दर्द की मसूड़ों के से खून आने की शिकायत भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है आजकल लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया उसी तरह से कैंसर का जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आई थिंक 30% जो है जो हमें टोटल कैंसर जितने मिल रहे हैं उसमें 30% कैंसर जो हैं वो सारे ओरल सर्जरी मतलब मुंह के कैंसर मिल रहे हैं जो कि पहले किसी ज़माने में ऐसा नहीं था पूरे पाकिस्तान के अलावा बाकी किसी और जगह जैसे पूरी दुनिया में ओरल कैंसर टोटल 3% है और यहाँ पे 30% है तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रही वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि पान गुटखा छाया लोग कंट्रोल वो रोक नहीं रहे उनकी हैबिट्स नहीं ख़त्म हो रही इलाज है उसको रोकने का तरीका भी है बट वो अवेयरनेस नहीं है लोगों के लिए अवेयरनेस नहीं है लोगों वो यही है कि जो आप पान गुटखा छा लिया वो खाना या तो रोक दें मीडिया वाले लोग इस्तेमाल करें कि जी ये वाली चीज़ें जो हैं वो ना इस्तेमाल की जाएं इसको कम किया जाए
हम लोग इस तरह की हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसके खिलाफ हम लोग कॉन्फ्रेंसेज एंड एडवर्टाइज भी कर सकते हैं, लोगों को बता भी सकते हैं। बेसिकली ये गवर्नमेंट भी कर सकती है। दूसरी बात ये कि हमारी ट्रीटमेंट जिस तरह ये है कि जो हम लोग अभी ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छी है, सर्जरी है, लेकिन और एडवांसमेंट्स भी हो सकती हैं इस चीज़ के अंदर। रिसर्च नहीं हो रही, रिसर्च पाकिस्तान में नहीं हो रही, उसके लिए हमें फंडिंग नहीं मिल रही। गवर्नमेंट को फंडिंग हम लोग को इस चीज़ पर देनी चाहिए। ये इशू बहुत ज़्यादा है। तो माहौल के तहत खुद दिसी रहा है एतरो सफाई वालों माहौल। पहली गल तो गवर्नमेंट सेक्टर में मिलन तो नामुमकिन है, पर थैंक्स टू लम्स, थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध। हैदराबाद की आवाम के लिए तोहफो है लम्स की तरफ का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ का। वालेकुम सलाम। तुम पेशेंट आई हैं? पेशेंट के एक्सट्रैक्शंस कराइण आहिनि, मतलब डंद कढाइणा आहिनि, छो त हिननि जा डंद कीड़े जी वजह सां ख़राब थी विया आहिनि, जंहिंखे असां डेंटल कैरीज चवंदा आहियूं। ऐं डंदनि जो हा अवेयरनेस इहा ई आहे त तव्हां पब्लिक के इहो अवेयर कयो त उहे पंहिंजी डेंटल हाइजीन यानी कि मुंहं जी सफ़ाई जो ख़्यालु रखनि, पान छालिया ऐं जेके बि इहे शयूं आहिनि स्मोकिंग उन्हनि खां परहेज़ कनि। असां ॾिसूं था, कोशिशि कंदासीं हिन टीथ खे बचायूं, पर अगरि जे न थियो त पोइ एक्सट्रेक्शन कंदासीं, कढी छॾींदासीं टीथ जी। छो त हा मतिलबु नेग्लिजेंस जे करे खोलियो बेटा, इहो हूंदो आहे पेशेंट इनिशियल स्टेज ते न असां ॾे न ईंदा आहिनि, खोलियो हा। त पोइ एंड में छा आहे हिन जो न, जॾहिं दंद घणा ख़राबु थींदा आहिनि पोइ मजबूर आहिनि, असांजो लास्ट ऑप्शन इहो हूंदो आहे त हुनजी एक्सट्रेक्शन करणी पवंदी आहे। जी असां कोशिशि कयूं पिया, पर हुन सां इहो आहे त इन्फेक्शन हिननि जो वधी वियो आहे ऐं उहो हाणे सेव न थी सघंदो। जॾहिं ऐं मिठो घणो ॿार खाईंदा आहिनि, चॉकलेट खाइनि था, मिठियूं शयूं, टॉफीज़, ऐं पोइ ख़्यालु बि नथा करनि सफ़ाई जो, या अगरि कैविटी लॻी थी वञे कीड़ो त पोइ टाइम ते डॉक्टर खे ॾेखारे। इहो गवर्नमेंट असांखे माना हिकिड़ो प्लेटफॉर्म ॾिए त असीं मुख़्तलिफ़ जेको आहे न ॿारनि जे स्कूलनि में वञूं, उन्हनि खे टीच कयूं चिल्ड्रन खे, माना छा करिणो आहे, ओरल हाइजीन तव्हांखे कीअं मेंटेन करिणो आहे। जी बिल्कुलु, अवेयरनेस इलाही ऐं जाम माना असांजा पेशेंट जेको आहे न ॿार जेको आहे उनखे वठी सघंदा नॉलेज असांखां ऐं काफ़ी बीमारियुनि खां बची सघंदा। हिते मोस्टली जेको आहे न हिते त सीए जा पेशेंट घणा था अचनि, कैंसर जा पेशेंट्स घणा था अचनि, मोस्टली पेशेंट्स खे जेको आहे न माउथ जो कैंसर, वात जो कैंसर, छो त मोस्टली पेशेंट अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंखे सिगरेट स्मोकिंग, पान, गुटखा छालिया, उन्हनि खे हिस्ट्री हूंदी आहे, या केतिरनि सालनि खां उहे खाईंदा आहिनि उनखे ख़बर न पवंदी आहे, पोइ आख़िरी में जॾहिं हुननि जो मुंहुं बंदि थियणु शुरू थी वेंदो आहे त पोइ हू असां वटि अचणु शुरू थींदा आहिनि। जॾहिं मुंहुं बंदि थियणु शुरू थी वेंदो आहे त उनमें चांसिस घणा हूंदा आहिनि तव्हांखे जेको न कैंसर जा। एहतियात इहो ई आहे त तव्हांखे सभिनी खां पहिरियों ई जेको आहे न पान, गुटखा छालिया या सिगरेट स्मोकिंग जेका बि आहे न उहा तव्हांखे स्टॉप करणी आहे, हैबिट हर हालत में तव्हांखे बंदि करिणो आहे। अगरि बंदि न कंदा त उहो आहिस्ते आहिस्ते ज़ख़्म थियणु शुरू थी वेंदो, जेको 7 ॾींहनि ताईं या 14 ॾींहनि ताईं अगरि नथो भरिजे त तव्हांखे अॻियां हली हू तव्हांखे उनजो थोरो पीस कढी ऐं लेबॉरेटरी मोकिलिणो पवंदो, जिते असांखे डायग्नोस थी वेंदो त पेशेंट खे कहिड़ी बीमारी आहे। डिपेंड थो करे त अगरि पेशेंट खे केतिरे सालनि खां हिस्ट्री आहे, हा उनजो इलाजु आहे। अगरि इनिशियल स्टेज में पेशेंट असां वटि अचे थो त हुनजी सर्जरी पॉसिबल आहे। कहिड़ियूं बीमारियूं वधीक आहिनि? ॾंदनि जे हिसाब खां सभिनी खां वधि में कैंसर अचे थो असां वटि, ॿियो असां वटि मरीज़नि जे ॾाढी सफ़ाई नथा रखनि मुंहुं जी, सभु ब्रश नथा कनि त उन में कीड़ा लॻी था वञनि, त इलाही जो परमानेंट टीथ आहिनि उन्हनि जा पक ॾंदनि उन्हनि में कीड़ा लॻियलु हूंदो आहे, उहो अक्सर एक्सट्रैक्शन जे लाइ ईंदा आहिनि असां वटि। हा बिल्कुलु इलाजु आहे, जेतिरो जल्दी कराईंदो ओतिरो जल्दी बचाइण जो चांस हूंदो आहे। कीड़ो बि अगरि तव्हांजे ॾाठ में लॻियलु आहे, अगरि तव्हां जल्दी पंहिंजी जांच कराईंदो त तव्हांजी भराई थी सघे थी ॾाठ जी, अगरि न कराई तव्हां लेट कराई तव्हां न ध्यानु ॾिनो त उहो कीड़ो वधी थो वञे, तव्हांजे ॾंदु वरी आख़िरि में अची एक्सट्रैक्शन करे या कढाइण जी ज़रूरत पइजी थी वञे, वरी तव्हांखे नयो ॾाठ लॻाइणो पवंदो। ईअं करे तव्हांजो बहितरु आहे की जेतिरो बि तव्हांखे भले थोरो ई सूरु थिए
पता अच्छी एक दफा चक्कर दे दिखारे वालों डॉक्टर के जितरो जल्दी जांच थने उतरो जल्दी सुठो बेहतरीन इलाज थंदो जी एनआईसीवीडी दे तमाम घणो उने के प्रमोट के प्रोजेक्शन दिनी वई आए ती हैदराबाद जे सिविल अस्पताल दे अंदर जेको सजी टीम कम कयो आए इते डॉक्टर भीखा का वठी इते जेके ब प्रोफेसर एन असिस्टेंट प्रोफेसर एन रिसर्च एसोसिएट एन जेके ब माणन जे लाय कन पया ही आवाम जे लाय कन पया सरकारी अस्पतालन जो हाल डाडो खराब सिंध जे अंदर रहयो आए हाणे ही जेके इंप्रूवमेंट्स अचन पयो यकीनन उनन के अप्रिशिएट करनो आए इनन दी मदद करनी इनन के सपोर्ट करनो आए त जी यो कम मुस्तकिल बुनियादन ते कंटीन्यूअसली जेको आ सो ही अमल जारी रहे ऐं माण्हू पेशेंट जो फ्लो तमाम घणो आए दंदन जी बीमारियुनि जे हवाले सां तमाम घणियूं बीमारियूं वधी वयूं आहिनि माउथ कैंसर वधी वियो आहे तव्हां ॾिसो त गुटको मेनपुरी नशो बहरहाल इलाही शयूं असां सफ़ाई सुथराई जो हुई वॾो फुकदान रहियो आहे केतिरियूं डेवलपमेंट्स थियणु खपनि सम्झो था सिंध प्रोजेक्ट्स में जेकॾहिं एन आई सी डी हिनमहिल हले थो त हुनजी मेंटेनेंस आहे ठीक है एस आई यू टी हले तो उनकी मेंटेनेंस आ जैसे कि असें मेंटेन न कर सकते या असें मेंटेनेंस फंड न मिले वादा तो अल्टिमेटली वरी वही सेम जो लोकल अदर ओपीडीज उनको माहौल थी वो तो योड़ो वो एसेंशियल आ असके सिंध गवर्नमेंट के इवन जो इनके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या बो कुछ कदा भी फंडिंग मिले थी तो ये वो अचीवमेंट हों बेनिफिशियल पेशेंट्स लाया जो लो इकोनॉमिकली पेशेंट्स प्राइवेट क्लिनिक्स के प्राइवेट सेटअप्स के नो डाउट उन वो इंपॉर्टेंट आ फैक्टर आ समझो तो ही कंप्लीट हिकड़े स्पिरिचुअल उन दे खुलियो आ फिलहाल हां जे डड ते जी सिंधी में या बिल्कुल बिल्कुल हकीकत गाला उन ला वडी स्ट्रगल थी आ ओ यो वन डे जी इंप्रूवमेंट ना एने के नियर अबाउट 3-4 इयर्स यो सजो प्रोजेक्ट आ तदी वनी करे असा के ई अचीवमेंट्स मिलियो अजा एने में असा के फंडिंग जी जरूरत आ अजा असा के मथे कुछ सेटअप भी जरूरत आ जी असा चो ता एकडो ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी हॉल थी वने ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंस हॉल थी वने तो जेके भी सर्जरीज थन थियो जेके इनोवेटिव सर्जरीज जेके असा बल्क में ते नथा देखारे सको तो असा लाइव सेशंस में उते करे सकूं था डेमोज उते कराए सकूं था तो जेके असके बेनिफिशियर्स मिली वन ये फिलिंग डिपार्टमेंट ये फिलिंग डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ पे जो है वो आपके जब दांत मिस हो जाते हैं दांत लॉस्ट हो जाते हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए जो है इस डिपार्टमेंट में आते हैं आर्टिफिशियल दांत लगते हैं यहाँ पे कितना इजी है प्रोसेस थोड़ा बता किस तरह लगता है प्रोसेस ये है कि जो है वो दांत की टाइप पे डिपेंड करता है पेशेंट कितना अफोर्ड कर सकता है उतना उस पे डिपेंड करता है जैसे उतारने चढ़ाने वाले भी दांत लगते हैं और फिक्स वाले भी लगते हैं ठीक है तो दांतों की टाइप्स होती हैं और कीमत भी उसी हिसाब से होती है और पेशेंट कितना टाइम दे सकता है उस पर भी डिपेंड करता है ये शौक भी है या सिर्फ वो किसी डिजीज़ की वजह से ये शौकिया तो कोई नहीं लगवाता क्योंकि असली दांत तो असली होते हैं ठीक है दांत जब मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है लॉस हो जाता है या निकलवाते हैं किसी डिजीज़ की वजह से उसके बाद जो है वो दांत को रिप्लेस करवाने के लिए फिर हमारे पास आते हैं फिर हम उन्हें गाइड करते हैं कि हमारे पास फिक्स वाले भी दांत हैं और किन केस में फ़िक्स वाले दांत लग सकते हैं किन केस में उतारने चढ़ाने वाले दांत जिन्हें हम रिमूवेबल बोलते हैं वो लग सकते हैं फिर वो हम पेशेंट को गाइड करते हैं पेशेंट आयो है तो असल में उनके दंत लगाना हुआ दंद की मसलन से आयो तो इन कर पेशेंट की माप वी माप वी पेशेंट के दंद लगाने की कोशिश क्या पेशेंट प्रोसीजर से डिपेंड करे तो पेशेंट कड़ा दंद लगान चाहे तो एकड़ा स्क्रू वा दंद लगन था जो उन तकरीबन 10 महीन जो टाइम पीरियड लगी वो बया फिक्स वा लगता है जैमें असा माप कर तकरीबन लेबॉर्टरी जो 7-8 दिन जो मुसल टाइम पीरियड हों उन्हें अच्छी बया रिमूवल हों के पेशेंट ला चाड़े सके तो उन जो 3-4 दिन जो प्रोसीजर हों जी अस माप वी लेबॉर्टरी मोकिलिंदा असा टाइ मोकिलिंदा अस 3 दिन में लगे सूँ था डिपेंड करे तो पेशेंट कड़ा लगान चाहे तो टाइम पेशेंट दिन था इजी हाँ बिल्कुल छो पेशेंट जो जाहिर है इंसानी नेचुरल शे वे थी हली तो वह उनके वापसी लगाने ला पेशेंट चाहे तो मुझे केतो टाइम पीरियड लगी वे तो मुझे सुठी शे ठाए दियो तो बिल्कुल पेशेंट कोऑपरेट कन था जी हनन एक्सट्रैक्शन कराई हुई दंद हली किरी पे आवा उन खा पोए हाने इनन के नया दंद हणना है पट इनन जी दंदन जी कंडीशन सुठी ना है तो मानन के चाहा पी तो पेरी इनन के स्केलिंग जी नीड है उनन खा पोए उन नया दंद लगदा यानी बे डिपार्टमेंट जी बे, जी स्केलिंग बे डिपार्टमेंट में थी है पर असि चाहूँ तो करे सकूं था तकरीबन स्केलिंग में एक घंटो लगन है बाकी दंदन जो तो पेशेंट से डिपेंड तो करे तो कड़ी कंडीशन है हाँ जी पार्सल जो है तो उनमें हफ्तो लगे तो कंप्लीट में एक मंथ लगे तो 15 दिन लगन था फिक्स जो तो एक अपॉइंटमेंट लगती है अपॉइंटमेंट से है कंप्लीट में 4-5 विजिट लगना पार्सल में 1-2 विजिट लगना है आई फिक्स वाले में तो एक विजिट लगता है बे में इंसर्शन थी साहब कितना डिफिकल्ट आप समझ रहे हैं कि ये पूरी पोजीशन थी जिसमें इतना बड़ा इन्होंने प्लान किया है और इतनी बड़ी टीम वर्क इतना ये लोगों को कितना फैसिलेट करेगा ये
एक्चुअली अगर आप पूरे सिंध में देखें तो कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, कहीं और फ़िलहाल सिंध गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, जिसमें CBCT एक मशीन लगाई गई है जो कि बहुत सारी डायग्नोसिस में हेल्प आउट करती है। बड़ी एक्सपेंसिव मशीन है, 1.5-2 करोड़ रुपये की मशीन है जो लगी हुई है। नो डाउट इसमें यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है, अदरवाइज़ ये फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर्स में इतना लो कॉस्ट फैसिलिटीज़ अवेल करवाना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क ऑल टुगेदर। डॉक्टर शहजाद सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर इतने असा मौजूद हैं, उन्होंने गाल बोल क्यों था। डॉक्टर साहब मुख्य केतरो तजुर्बो तुम केतरो पेशेंट असो तकलीफुन में रो है, केतर डेवलपमेंट जो जरूरत हैं, केतरो तरक्की वाने की जरूरत है अस्पताल की। हिंसर जो अस बेसिकली मैक्सिलोफेशियल सर्जन आई हैव अ ड्यूअल क्वालिफिकेशन फ्रॉम FCPS फ्रॉम पाकिस्तान एंड सेकेंड फेलोशिप फ्रॉम आयरलैंड। सो आई हैव अ बोथ एक्सपीरियंस फ्रॉम पाकिस्तान एंड आयरलैंड। सो इतने जो अस हिंसर क्यों पे अस मेनली डील क्यों पे डेंटल से गड असो शोबो है मैक्सिलोफेशियल। मैक्सिलोफेशियल में इंदो है मैंडिबल मैक्सिला कैंसर, मुँह जो कैंसर, वात जो कैंसर। तो अस फ्रिक्वेंटली डेली बेसिस से असो ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल है सिविल अस्पताल में सिंस 1986 से। हिंसर इनके मॉडिफाई किया वो है जैमें असाजा ब ऑपरेशन थिएटर है जैमें अस ओरल कैंसर के डील कंदा जैमें जुबान जो कैंसर है, दंदन जो है, लिप जो है, इनकी सजी अस सर्जरी करे देन वी सेंड टू दी निमरा फॉर दी रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। एक वन कंपोनेंट जो मानून के अवेयरनेस ना है असो डेंटल जो शोबो है दे इन सा गड वात भी है। इन वात में जो भी मोस्ट कॉमन जो बीमारी इतने असा थे पी बहन छालिया गुटके के कारण पान आए गुटको आए असो सजो माशरो खाए पो। तो असो मेन ऑब्जेक्ट है तो मानू घट में घट ये पान छालिया गुटको घट यूज़ कन या बिल्कुल इनके बंद कर कम जो ना है वो इनसा वात जो कैंसर थे पो। सिगरेट से भी थे पो मगर इतने पान माशरे में सिगरेट से वधिक वेस्टर्न कंट्रीज में स्मोकिंग है अल्कोहल है पान वट इतने पान छालिया गुटको नसवार ये जो शन मेमपुड़ी इनके करे वात जो कैंसर जाम फैले पो 1:10 हिंसर अचे पो। हर डेली अस 5-7 पेशेंट 10 पेशेंट वात के कैंसर अचन पाया। केतरो पेशेंटन जो फिलो है किए सारी मैनेजमेंट मौजूद है सरकारी सतह से इन किस्म जो इन्वायरमेंट समझो था केतरो फ्रूटफुल है आम मानन के लिए। FCPS MS वाले डॉक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे जो कंसल्टेंट हैं वो सारे मौजूद होते हैं जो उनको सुपरवाइज कर रहे होते हैं और वही ट्रीटमेंट जो यहाँ पर एक 25,000 का आर्थोडोंटिक का जो ट्रीटमेंट है वो बाहर जो है वो 1.5 लाख रुपए का होता है प्राइवेट। लाइन असा सिंध इशू प्रोग्राम में तक सिविल अस्पताल हैदराबाद के अंदर खुसूसन सरकारी अस्पताल के अंदर जैसे के पॉजिटिव के मुसबत तब्दीलू अचन थी तो उनमें कड़े तरीके से मरीजन जो इलाज थे पो केतरो वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं सरकारी अस्पताल के अंदर खुसूसन दंदन के इलाज के हवाले से केतरी सहूलतूँ मौजूद हैं। सिंध इशूज़ प्रोग्राम में तक उन सारी सूरत हाल ेखारीसी इंदड़ प्रोग्राम में पा वरी बे के मौजू से गुड हाजिर थी सदी गड़।